ਹਾਂਜੀ अब तो सारी बात अपने अंदर ही कह ली। जोर से बोलो ना, तुम लोगों को सुनाई पड़े सबको क्या कर रहा है कोई? जब कर ही नहीं रहा तो होगी कहाँ से? एक तो हद के गांव होते हैं, एक बेहद के गांव होते हैं। बेहद के गांव कौन से हैं? जो छोटी छोटी गीता पाठशालाएं हैं वो सब बेहद के गांव हैं। तो वहां जाते हैं या जाने से ही डरते हैं? जाते नहीं हैं? कोई कोई जाते हैं या सब जाते हैं? फिर गांवड़े तो बहुत हैं, नेपाल में जाएंगे तो सारी पहाड़ियां गीता पाठशालाओं से अटी पड़ी। और डायनासोर के कंकाल मिल रहे हैं, हड्डियों के, उन हड्डियों के कंकाल के आधार पर उनकी जड़ मूर्तियां बनाई हुई हैं। बड़े बड़े शहरों में रखी हुई है। कोई भी देख के बता सकता है कि वो चार पांव वाले जानवर हैं या मनुष्य हैं? जानवर हैं। बड़े बड़े दांतों वाले हैं, ऐसे बड़े बड़े दांत खूंखार जानवरों के होते हैं। या घास खाने वालों जानवरों के होते हैं? ये खूंखार जानवर रावण राज्य में होते होंगे या सतयुग त्रेता राम राज्य में होते होंगे? रावण राज्य में होते थे। रावण राज्य आज से 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। उस समय डायनासोर रहे होंगे, कोई जंगल में, परंतु सारे जंगल में जब जोर से आग लगी तो सारे के सारे मर गए। कोई एक आध बच गया, बच के बाहर निकल गया जंगल से, तो घड़ियाल जैसे दूसरे प्राणियों के संग में आ गया। उससे नई जनरेशन पैदा हो गई। वो डायनासोर की जनरेशन खत्म हो गई। बाकी जो ऐसे बताते हैं कि वो कंकाल लाखों वर्ष पुराने हैं, आगे चल करके ये बात झूठी साबित हो जाएगी। जैसे बड़े बड़े साइंसदानों ने पहले ये बोला कि मनुष्य बंदर था,
बाद में साइंसदानों ने वो बात काट दी, झूठी साबित कर दी। ऐसे ये बात भी झूठी साबित हो जाएगी कि डायनासोर लाखों वर्ष पुराने थे। और ज्यादा संख्या में नहीं बनी, 108 की जगह 197 बन जाती, 109 और 110 की माला बन जाती, सो कैसे बनेगी? दुनिया में जितने मनुष्य होते हैं उन सभी मनुष्यों को कितनी राशियों में बांटा गया है? इससे ज्यादा राशियों में क्यों नहीं बांटा गया? क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े धर्म पिताएं और उनके फैलाए हुए धर्म हुए हैं, जो धर्म की धारणाओं को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, उन धर्म के मानने वाले लोगों में से जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माएं हैं, उन चुनिंदा आत्माओं की ही माला बनती है। और हर धर्म से 12-12 आत्माएं उठाई जाती है, 9 ही मुख्य धर्म हैं। आज की दुनिया में जो भगवान से नंबरवार प्राप्ति करने वाले हैं, ऐसे 9 प्रकार के ग्रुप हैं, 9 धर्मों के 9 ग्रुप हैं 12-12 के। तो 12 और 9 का गुणा किया तो कितने हुए? 108 की माला है। ये राजाई प्राप्त करने वालों की माला है, प्रजावर्ग की माला नहीं होती है। भगवान से राजयोग सीख कर जिन्होंने राजाई प्राप्त की, कोई भी धर्म के हों, क्योंकि सभी धर्मों में राजाएं हुए हैं और उन राजाओं को राजाई भगवान ने ही सिखाई थी। राजाई की पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई स्कूल नहीं होता है दुनिया में, ये स्कूल सिर्फ भगवान ही आकर के खोलता है। तो भगवान आते हैं तो उन राजाओं को डिक्लेयर करते हैं, उनकी संख्या भी संसार में विख्यात होती है। वो श्रेष्ठ आत्माओं की माला ऐसे नहीं भारत में ही, हिंदू धर्म में ही सिमरी जाती है, स्मरण की जाती है, दुनिया के सभी धर्मों में माला सिमरण करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि ये माला के दाने उन श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार हैं जो भगवान के गले का हार बनी थी, जिन्होंने भगवान की पढ़ाई सच्चाई से पढ़ी थी,
उनके लिए बोल रहे ये जरूरी अपने अपने धर्म में अपनी अपनी परंपराएं शास्त्रों के अनुसार चलाई है। ये शास्त्र मनुष्यों ने मनमत पर लिखे हैं, उन मनमत के आधार पर हर धर्म वाले अपने अपने तरीके की भक्ति मार्ग की परंपराएं अपनाते रहते हैं। उन परंपराओं से कोई फायदा नहीं है। पिंडदान करना, ब्राह्मणों को खिलाना, ये करना, ये सब परंपराएं मनुष्यों की बनाई हुई परंपराएं हैं। मनुष्यों ने जो बनाया है मनुष्य को नर कहा जाता है। नर जो कुछ करता है वो नरक करता है। नर माने मनुष्य का माने करने वाला, और भगवान जो कुछ करता है, भगवान है स्वयं स्थिति में रहने वाला, तो वो स्वर्ग बनाता है। नर है नरक बनाता है। बाबा जी, कोई कोई आत्मा जैसे जन्म लेंगी दूसरे शरीर छोड़ दी और किसी किसी को याद क्यों लेंगे पहला जन्म, वो सबको क्यों नहीं रहती? जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनको कुछ समय याद रहता है बचपन में। जब तक सतोप्रधान अवस्था होती है बचपने की, फिर बाद में भूल जाती है। सबको याद कैसे रहेगा? और शिव शंकर अलग अलग रूप बताए ना, शिव और शंकर अलग अलग, शंकर जी साकार रूप में आ जाते हैं और शिव निराकार रूप में, बिंदु में उनके कोई कुछ नहीं है, अंग नहीं है। तो ये पार्वती मैया शंकर शिव जी की, शिव जी है जो शंकर पुत्र बताए, ये पुत्र समान है, ऐसे तो किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि शंकर का कोई माँ बाप भी है। समान बताए ना, उनकी याद में रहते हैं शंकर है? शिव की याद में रहते हैं तो हाँ। मिलाकर एक कर दिया पुत्र समान हाँ। तो पार्वती मैया फिर शंकर के पास क्यों? क्योंकि शंकर में शिव है, शिव में शंकर थोड़े ही है, शिव बिंदु है, बिंदु का नाम शिव है, वो सदैव आत्मा है, वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। कैसे शरीर में प्रवेश करती है? जो सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, और कोई भी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरे 5000 वर्ष ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है। 33 करोड़ देवताओं में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो ऑलराउंड पार्ट बजाती हो। एक ही आत्मा है जिसके मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद उस शरीरधारी का पुरुषार्थ आरंभ होता है। तो पुरुषार्थ करने में
टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? याद करने का टाइम निश्चित है। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि पूर्व जन्मों के पापों का हिसाब किताब है, वो भस्म करना पड़े याद से। जब वो पापों का हिसाब किताब भस्म हो जाता है तो शंकर की आत्मा भी बिंदु बन जाती है। तब कहा जाता है शिव शंकर एक है। जो शिव है वही शंकर है, बाकी और कोई देवता को शिव के साथ नहीं मिक्स किया जाता। पार्वती को भी मिक्स किया जाता है? पार्वती को भी शिव के साथ सदैव मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन शंकर को शिव के साथ मिलाया जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, ऐसे नहीं कहते हैं शिव पार्वती भोलेनाथ। हाँ, हमारे बुरे कर्मों के कारण हमको भगवती मिल रही है और हम सदगति पाने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, तो अगर आगे हमारी जो भी जो आगे हमारे और भी बुरे कर्म हैं उसके द्वारा हमें मतलब हमारी सदगति कैसे होगी? जो सत्य है उसको याद करने से सदगति होगी। जैसे कि हमने कोई चोरी की है, ठीक है, वो कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद में आगे भी आगे जो कबीर दूसरे आगे फिर 5000 साल बाद फिर हमारे यही कलंक लगा होगा, बिल्कुल लगेगा। जबकि हम इस जन्म में हम अच्छा प्रसाद करें या अच्छा प्रसाद करके प्रसाद करना तो भी नहीं छूटेगा। बाप आया, बाप का ज्ञान बुद्धि में आया, बाप को पहचाना, जिस सेकंड निश्चय बुद्धि हुए कि शिव बाप आया हुआ है सदगति दाता मुक्ति दाता, उस सेकंड से बाप की श्रीमत के एक सेकंड भी बरखिलाफ नहीं चलना है तो गारंटी है कि किसी तरह का पाप कर्म नहीं बनेगा। अगर श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं जानबूझ करके तो कितना बोझ चढ़ेगा? तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा। इसलिए चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, जब शुरू शुरू में आते हैं तो जैसे बाप की गोद में बच्चा खेलता है बहुत खुशी होती है, ऐसे ही सब आत्माएं सात्विक स्टेज में होती है, फिर बाद में बाप की श्रीमत पर न चलने के कारण एक बाप के संग के रंग में न रहने के कारण फिर 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता जाता है। एडवांस में सब अपना अपना अनुभव लिख करके दें कि जब एडवांस में शुरू शुरू में आए थे तब अवस्था कैसी थी और अब अवस्था कैसी है। परिवार वाले डाउन नहीं करते हैं, हमने 63 जन्मों में ऐसे परिवार वाली आत्माओं के साथ ऐसे कर्म किए हैं जिनका हिसाब किताब परिवार वाले ले रहे हैं। परिवार वालों की गलती नहीं है, गलती किसकी है? हमारी ही गलती है। कैसे?
कैसे निकले गलती हमारी हुई। कह तो दिया श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। अपने अंदर देखें, रोजमर्रे के जीवन में देखें कि श्रीमत पर हम कितना चलते हैं, कितना परसेंटेज, और मनुष्यों की मत पर कितना परसेंटेज चलते हैं। एक गुरु करने के बाद दूसरा गुरु करने से पाप लगता है। दूसरे गुरु करने से पाप लगता है। एक गुरु सच्चा है या दूसरे तीसरे चौथे सब गुरु सच्चे हैं? एक गुरु सच्चा या सब गुरु सच्चे है? एक सच्चा, तो सच्चे को पहचान लिया है तो दूसरा करने की क्या दरकार? दरकार है फिर? और अरे बारह राशियां हैं तो उनका अलग अलग महत्व भी है ना। जैसे बारह राशियों का महत्व है, वैसे हर धर्म में बारह बारह मणके हैं। वो बारहों मणके एक में जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्यवंश है तो सूर्यवंश में सूर्य के मानिंद पाठ बजाने वाली एक आत्मा है, ज्ञान सूर्य के रूप में। बाकी जो ग्यारह रुद्रगण हैं वो नंबरवार हैं। उन ग्यारह रुद्र में वो ही महारुद्र प्रवेश करता है तो नंबरवार प्रवेश करेगा या सबके अंदर एक जैसा प्रवेश करेगा तो नंबर बन जाते हैं। बिल्कुल स्टेज बनेगी। माला का मणका बनता है तो मणके एक दूसरे के ऊपर बारह चढ़े हुए होंगे या नंबर बार नीचे ऊपर होंगे? ये नंबर बार नीचे ऊपर क्यों हो जाते हैं? संग के रंग के कारण। एक जैसा संग तो सभी नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। और बाबा अब इसलिए इतने पित्र क्यों बने हैं? पित्र इतने क्यों बने संग में? किसी को जन्म नहीं मिला, जो भी मरा वही पित्र बन गया, जो भी मरा वही पित्र बन गया। घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। पाप कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है या पुण्य कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है? कलयुग में सब पापी बन जाते हैं या कोई पुण्यात्मा भी बन जाता है? कोई पुण्यात्मा नहीं, सब पापात्मा हो जाते हैं। आदमियों को बीमार नहीं करते हैं? जब आदमियों को ही बीमार कर देते हैं भूत प्रेत, तो जानवर कौन सी है उसमें गिनती में है? और जो लेफ्ट साइड की भुजाएं होंगी वो उल्टा ही काम करेंगी, उल्टी ही बात बोलेंगी, कर्म भी उल्टे करेंगे, बातें भी उल्टी करेंगी। और राइट साइड की भुजाएं राइटियस बात करेंगी। श्रीमत के बरखिलाफ बात लेफ्ट साइड की बात हो जाती है और श्रीमत के अनुकूल बात राइट साइड की बात है।
हर बाबा जिनकी 94.5% बंदी वो किस लिस्ट में 94.95% परसेंटेज बनती है वो किस लिस्ट में 100% लिस्ट जिसकी बनती है वो 8 की लिस्ट में है, बाकी नंबर वार 100 की लिस्ट है, 108 है ना, तो 108 में 8 तो पूरे पास हैं कि नहीं, ऐसे पास हैं कि उनकी कोई भी सजा की हिसाब किताब नहीं बनता, बाकी 100 का हिसाब किताब बन जाते हैं। तो जिनका 100 का हिसाब किताब बन जाता है वो परसेंटेज में आ गए। 94% पुरुषार्थ है तो छठे नंबर का नंबर है मणके का, 95% पुरुषार्थ है तो 5वे नंबर। आपस में परसेंटेज देखा जाएगा। और दूसरे नंबर की बाबा लिस्ट 108 की है ना, दूसरे नंबर की लिस्ट तो जो सेकंड नंबर लिस्ट है वो 16108 की है, वो राजाएं नहीं बनते हैं 16000, वो राजकुल में जन्म लेते हैं। जो भी राज परिवार बनेगा जिस जन्म में भी बनेगा उस राज परिवार के भांति बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे। वो 16000 की लिस्ट है, जो राजा बनते हैं वो 108 की लिस्ट है। बाबा हाँ। तो जन्म मुरली में 4 बजे को दिखाया हो कृष्ण को, जन्म मुरली में 4 बजे को बताया हाँ। और कृष्ण को जन्म भक्ति मारम बताते 12 बजे हाँ। तो मथुरा कब गए कृष्ण फिर 4 बजे के बाद, गोकुल गोकुल कब गए मथुरा से? मथुरा आप जिसे समझते हैं वो स्थूल मथुरा है या बेहद की मथुरा है? फिर मथुरा का अर्थ ही बेहद का है। और दोबारा बोलो, डबल ताज धारी। संगम युग में एक तो है पवित्रता का ताज और दूसरा है सेवा का ताज। वो ही सतयुग में पवित्रता का ताज होगा लाइट के रूप में, देवताओं के सर के तरफ चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई जाती है चित्रों में, और दूसरा ताज होता है स्थूल ताज, रतन जड़ित ताज, वो सेवा का ताज है। किसी का छोटा ताज होता है किसी का बड़ा ताज होता है। कृष्ण को बड़ा ताज दिखाते हैं और राधा को छोटा ताज दिखाते हैं। इससे क्या साबित हुआ कि राधा ने बाद में ज्ञान में आकर के थोड़ी सेवा की है और कृष्ण ने पहले से ही भगवान बाप को पहचान कर
ज्ञान की बड़ी सेवा की है। जैसे जगदम्बा का छोटा मंदिर बनता है और लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर बनता है, इससे क्या साबित होता है कि जगदम्बा ने थोड़ी सेवा की है और लक्ष्मी नारायण ने बड़ी सेवा की है बड़े स्तर में। और वो ब्रह्मा की यादगार नहीं है। जिस कृष्ण की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है वो कृष्ण संगम युग का कृष्ण है या कलयुग का कृष्ण है? जो संगम युगी कृष्ण है वो स्वर्णिम संगम युग में प्रत्यक्ष होने वाला है, जिसके लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो ये चारों आत्माएं एक ही पर्सनालिटी हैं या अलग अलग पर्सनालिटीज हैं? तो ब्रह्मा जब तक जीवित रहे उनको प्रजापिता कहेंगे, वो प्रजापिता के टाइटलधारी थे लेकिन प्रजापिता नहीं थे। कृष्ण की आत्मा तो है, जो कृष्ण सतयुग में जन्म लेता है, परंतु सतयुग के कृष्ण का शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। कौन से कृष्ण का सतयुग में गायन है? वो शास्त्रों में गायन है, संगमयुगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है। और बाबा 2012 में जगदम्बा वाली आत्मा कैसे धूरी चेंज करेगी? कैसे धूरी चेंज करेगी? कैसे 2012 में क्या करेगी? सुई चेंज कैसे करेगी? सुई चेंज करेगी? अभी 2012 पूरा तो होगा, तभी तो पता चलेगा है घड़ी की सुई चेंज होती है कि नहीं। तीन सुइयां होती हैं, तीनों सुइयों की चाल में फर्क होता है या नहीं होता है? है? जो सबसे महीन सुई है उसकी चाल बहुत फास्ट होती है। ये बुद्धि की महीनता की बात है या शारीरिक दौड़ की बात है? बुद्धि से महीन पुरुषार्थ करने की बात है। सेकंड बाय सेकंड तीखी दौड़ दौड़ती है। दूसरी सुई है जो मिनट मिनट में आगे बढ़ती है, और तीसरी सुई है सबसे धीमी चाल वाली होती है। तो बताओ सृष्टि के परिवर्तनकारी में कौन से बड़े तीन देवताएं हैं? उनका नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर।
उन तीनों देवताओं में बुद्धि के हिसाब से सबसे ऊंची स्टेज का पार्ट बजाने वाला, सबसे सूक्ष्म पार्ट बजाने वाला कौन सा देवता है? उसको तीन पुरियों में सबसे ऊपर दिखाया गया है, तो बताओ वो कौन सी सुई होगी? सेकंड सेकंड पुरुषार्थ करने वाली, दूसरे नंबर की सुई है, एक घंटे में पूरा चक्कर काट लेती है। सेकंड वाली एक मिनट में पूरा चक्कर काटती, तो ज्यादा चक्कर किसके होंगे? है जो सेकंड वाइज सेकंड चक्कर काटने वाली है जरूर बड़ा चक्रवर्ती राजा है। जो घंटे में पूरा चक्कर काटती है वो मीडियम साइज का है। और जो 12 घंटे में एक चक्कर काटती है वो तीसरे नंबर का है। तो कौन हुआ तीसरे नंबर का? है ब्रह्मा। कौन हुआ दूसरे नंबर का? है विष्णु। तो ये तीन सुइयां हैं, नंबरवार चक्कर काटने वाली हैं। इनका प्रैक्टिकल रूप है अभी, इस षष्ठी चक्र में अभी जो टाइम चल रहा है वो तीनों सुइयां पहचानी जाएंगी। जगदम्बा का स्थान कौन सा हुआ? है ब्रह्मा के रूप में। ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। परंतु तन पुरुष का है, इसलिए पूजा नहीं होती है। यही ब्रह्मा जब स्त्री चोला धारण करने वाला बनता है कोई एडवांस ज्ञान लेने वाली माता में प्रवेश करता है तो इसी ब्रह्मा की पूजा होती है। पुरुष रूप में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। अर्थ तो एक ही है, ब्रह्म माँ बड़ी माँ और जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा बड़ी से बड़ी माँ। पूजा में फर्क पड़ जाता है। मंदिरों में तो ब्रह्मा की मूर्ति को सिर्फ परिवार में रखते हैं, वही मंदिर में पब्लिक जाकर के ब्रह्मा की पूजा नहीं करती। वो शिव का मंदिर होता है, पंचमुखी महादेव चौमुखी महादेव। ब्रह्मा की पूजा भारतवर्ष में नहीं होती है। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज क्या किया? नहीं रखी होगी, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं। कोई कारण होना चाहिए ना। जब तीन देवताओं का इतना गायन है तो फिर पूजा में मूर्तियां बनने में मंदिर बनने में इतना अंतर क्यों होता है? कोई कारण है या बिना कारण के ऐसा है? है कारण जरूर है।
किस किस की मूर्ति है, पर नादिया बाबा की होती है, पार्वती की होती है, है गणेश की, शिव शिवलिंग बीच में होता है, नादिया की मूर्ति होती है, एक गणेश जी की होती है, हाँ, और एक पार्वती की, और एक ये ब्रह्मा के तीनों की मूर्ति होती है। ब्रह्मा नहीं होता है शिव के मंदिर में, कार्तिकेय होता है, छह मुख वाला षण्मुख कहा जाता है। दरवाजे पर बैठे हुए हैं चौकीदार, और सरवन जो था वो अपने पूरे माँ बाप का सहारा था, कि उसको दशरथ ने मारा, दशरथ यानी दशकरण, गदन सरवन को कैसे मारी, दस गन सरवन को कैसे मारी, कैसे मारा है सरवन को मारता, उल्टे माँ बाप को लेके गया। हाँ, कौन से भक्ति मार्ग में लेके गया कि ज्ञान मार्ग में लेके गया? श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप को कौन से युग में लेकर गया? कहाँ की यादगार है? शास्त्रों में जो श्रवण कुमार की कथा है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग में, जरूर संगम युग में श्रवण कुमार, श्रवण माने जिसका बहुत श्रवण होता है घर घर में, उसको याद करते हैं। किसको याद करते हैं घर घर में? नारायण को याद करते हैं। सत्यनारायण की कथा घर घर में होती है, तो वो सत्यनारायण स्वयं ही श्रवण कुमार है, और उसके माँ बाप कौन हुए? ब्रह्मा और सरस्वती। अंधे हैं कि सोझरे हैं? क्यों अंधे हैं? क्योंकि उनमें बाप का ज्ञान नहीं है, बाप की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए अंधे हैं। उन दोनों को, ब्रह्मा को और सरस्वती को, जो अज्ञान के अंधे हैं, उनको कंधे पर रख करके यात्रा कराई है तीर्थों की। प्रैक्टिकल बात कहाँ की है? जरूर संगम युग में नारायण वाली आत्मा ने दोनों आत्माओं को प्रैक्टिकल में तीर्थों की यात्रा कराई है। जो मधुबन है, जो मिनी मधुबन है, जो गीता पाठशालाएं हैं, वो क्या हैं? तीर्थ हैं, जहां से आत्माएं तीर माने किनारे पर लगती हैं, एक ठिकाने उनकी बुद्धि लग जाती है। जैसे नवैया बह रही है मझधार में, फिर बहते बहते एक किनारे लग जाती है, तो ऐसे ही ये दुनिया विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी में सब बहते चले जा रहे हैं अज्ञान के कारण। श्रवण कुमार के माता पिता भी अज्ञान अंधकार में विषय वैतरणी नदी में बह रहे हैं। राम वाली आत्मा में प्रवेश करके वो आत्माएं ज्ञान का श्रवण करती हैं और तीर्थों का तीर्थाटन करती हैं। ऐसा तीर्थाटन करते करते उनका पुरुषार्थ राम वाली आत्मा की तरह संपन्न बनता है,
या अधूरा रह जाता है। है संपन्न बनता है। अगर राम जैसी आत्माओं की तरह संपन्न बनता है तो संगम युग में बाप से बादशाही मिलनी चाहिए या सतयुग में मिलनी चाहिए? है तो संगम में मिलती है बादशाही, तो अधूरा पुरुषार्थ रहा ना। अधूरा पुरुषार्थ रहा माना पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो ये व्यवधान किसने डाला? जो पुरुषार्थ अधूरा रह गया, जो रावण संप्रदाय वाली आत्माएं हैं वो ही विविधान डालती हैं, और संगम युग में जो प्राप्ति करनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं कर पाती। और बाबा एक बात ये कि जैसे कोई भी अपन सभी स्त्री परिवार है और उसको पता चलता है कि बाबा की क्लास हला टाइम में है, और उसका कोई भी जैसे साथी सारे स्त्री परिवार में वो ये कहता है कि अगर बाबा की क्लास हो तो आप मुझे इतना दे दें, क्लास करने का इच्छुक हो, मान लो यहाँ से 100-200 किलोमीटर अगर दूर हो तो। लेकिन बाबा के तो नियम है कि जो बच्चे जिंदा है वो बाप के बच्चे हैं, और जिंदा ही नहीं है, बाप से 2 महीने से कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो बाप की नजर में मर गए कि जिंदा है। लेकिन ऐसा हो कि जो क्लास भी कर रहा है सेवा भी कर रहा है और वो इच्छुक होकर मुझे बाबा से मिलना है, पर्सनल काम हो, ऐसा कहना उचित है या नहीं? इसमें कोई श्रीमत का वर्णन तो नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कोई भाई पूर्व सेवा भी कर रहा है या माता कोई भी समझो एक्स वाई जेड, और उसको अगर हम ये कह दें कि साहब कल क्लास है आप आ सकते हैं अगर आना चाहें तो, जैसे पक्का है जैसे सेवा भी कर रहा है, मुरली रोज सुन रहा है, रोज क्लास भी कर रहा है, तो उसको कह सकते हैं? वो देखना है, परखना है कि बाबा का कहाँ तक वफादार बच्चा है। नहीं तो कोई तो ऐसे होते हैं कि जानना चाहते हैं बाबा इस समय कहाँ हैं। ये सेफ्टी के हिसाब से अच्छी बात है या गलत बात है? लेकिन उस पे ये विश्वास है, वो किसी को नहीं कहेगा, वो अकेला ही चला। किसी के पास बिगड़ बताए कि मैं फला जगह किसी के पास। और बहुतों की ऐसी शिकायत आती हो कि उन्होंने चारों तरफ फैला दिया, तो सेफ्टी बनी रहेगी या बिगड़ेगी? नहीं, ऐसा पक्का हो सेवा रहे तो उसको कहना है, कोई पक्का हो ऐसा भाई वो जो किसी को बात फैलाने वाला नहीं है तो उसको कह सकते हैं। जैसे मान लो उदयपुर है, यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है, हम उदयपुर वालों को सबको बुला रहे हैं, और एक भाई और कोई नजदीक ऐसा हो कि जो बाबा से मिलता है पूरा श्रीमंत के हिसाब से चलता है, तो उसके लिए पूछ रहा हूँ कर सकते हैं? नहीं, अभी तो यही देखा जा रहा है कि बाबा जहां कहीं भी पहुंचते हैं तो अंदर वाले ही ज्यादा जान जाते हैं कि यहां बाबा पहुंच गए, दूसरे को बता दिया, किसी को बताना नहीं, हम तुमको बता रहे हैं बाबा वहां है। और भस्मासुर पीछे पड़ा हुआ है, और कंसी भी पीछे पड़ा हुआ है, और रावण भी पीछे पड़ा हुआ है। जो हनुमान है वो पूंछ की गद्दी बना के उसको राम और लक्ष्मण को दुबका के रखते हैं। जो सेफ्टी पे ध्यान नहीं देने वाले हैं वो फिर दूर दूर संदेश भेज देते हैं, यहाँ बाबा आया हुआ है, देखो बाबा हमारी मुट्ठी में है, हम तुम्हें बताते हैं। नहीं, सबके लिए नहीं है, जैसे मैं अभी कह दूँ मैं भाई बाहर जा रहा हूँ अभी अब फिलहाल जगह हूँ और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है आपके यहाँ अगर क्लास होती है, हमारे यहाँ क्लास नहीं हो रही है, बाबा आते नहीं है, तो फिर आप मुझे बताइए, मुझे ऐसा इसके लिए पूछा कि जो पक्का सेवादारी है अपनी नज़र में, जैसे परखने वाली बात है कि भाई भी एक भाई को समझता है, एक माता भी एक माता को समझती है कि ये कितना बाबा को चाहता है, कितना
पक्का हो तो बुला सकते हैं। ईश्वरीय सेवा में लगे रहना ज्यादा अच्छा है या क्लास करना ज्यादा अच्छा है? ऊंची स्टेज में कौन है? ऊंची स्टेज में कौन है? जो सेवाधारी है वो ऊंची स्टेज वाला है या जो क्लास करने वाला है वो ऊंची स्टेज वाला है? है, जो सेवा में लगा हुआ है उसकी तो स्टेज ही ऊंची होनी चाहिए। स्टेज तो ऊंची होगी लेकिन क्लास के कारण वो मिल ले बाबा से कोई बात हो ऐसी। क्या बात हो? बाबा तो कहते हैं रूर्यान करो, अव्यक्त स्टेज धारण करो। हजारों नहीं लाखों की तादाद में बच्चे हैं और सब पर्सनल मिलकर के बाबा से समाधान लेंगे तो संभव है कि अव्यक्त स्टेज वाले ही सही समाधान ले सकेंगे? है, हाँ। आगे चल के ऐसी स्टेज आवेगी, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जावेगी कि बाबा से प्रैक्टिकल मिलना हो ही नहीं सकेगा, तब क्या करेंगे? अभी से अव्यक्त बनने की स्टेज धारण नहीं करेंगे? हाँ जी, झाड़ के चित्र में 10 जड़े हैं या नहीं है? हैं। 8 जड़े तो क्लियर है, 8 जड़ों पर जो 8 धर्म पिताएं हैं आधार मूर्त नारायण वो तो क्लियर है और 2 गुप्त हैं, ब्रह्मा सरस्वती के रूप में बैठाए गए हैं। तो वो ब्रह्मा सरस्वती की बात है या यज्ञ के आदि में माता पिता के रूप में पार्ट बजाने वालों की बात है? किसकी बात है? है, यज्ञ के आदि में प्रजापिता और प्रजा माता के रूप में पार्ट बजाने वाली कोई आत्माएं थी या नहीं थी? वो ही आदि वाली आत्माएं हैं। वो ज्ञान में संपन्न थी या अधूरी थी? है, जो छोड़ के चले गए, फेल हो गए, वो अधूरे थे। इसका मतलब रावण राज्य वाले थे या राम राज्य वाले थे? रावण राज्य वाले थे। तो वो 2 आत्माएं वो और 8 आत्माएं बाद वाली, वो 10 ही रावण संप्रदाय हैं, 10 ही रावण के 10 सिर हैं, 10 ही 10 रथ हैं। रथ माने शरीर रूपी रथ। वो 10 आत्माएं जब ज्ञान में आ जाती हैं उसके बाद राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है दूसरा जन्म लेकर के, तो 10 रथ की पुत्र कही गई। किसकी पुत्र? 10 रथ की पुत्र। और बाबा जो जगदम्बा की भुजाएं वो 16,000 की माला माँ की क्यों नहीं आएंगी? 108 की भी आएंगी। हैं? 108 की भी आएंगी। 108 भी आएंगी? 16,000 के साथ 108 जुड़े हुए नहीं है क्या? 8 108 में भी जुड़े हुए हैं। वो 8 1008 में भी जुड़े हुए हैं। वो 8 16,108 में भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही
108 16000 में भी जुड़े हुए हैं और वो 108 900000 में भी जुड़े हुए हैं। सतयुग की आदि की आबादी कितनी होगी? आदि जो सतयुग का जन्म होगा उसमें टोटल आबादी कितनी होगी? 9,16,108 और बाबा वो तो गिलानी का पार्ट बजाएंगी ना शक्ति तो शक्तियां तो गोप और गोपी दोनों मिलकर के बाप को पहचानते हैं, दोनों ही मिलकर के बाप को भूलते हैं कि सिर्फ गोपी ही भूलते हैं गोपी नहीं भूलती, या गोपी ही भूलती है गोप नहीं भूलते? माया पकड़ती है सिर्फ गोप को पकड़ती है या गोप गोपी दोनों को पकड़ती है? तो ऐसे थोड़े ही है कि गोपियां ग्लानी करने वाली होंगी गोप नहीं होंगे। तुम बच्चे ही मेरी ग्लानी करते हो सबसे जास्ती, तुम बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करते हो। सतो प्रधान स्टेज है तो बाप को प्रत्यक्ष करते हो, तमो प्रधान स्टेज बनती है तो बाप को बजाय प्रत्यक्ष करने के ग्लानी करते हो। बाप के बच्चों ने जितनी ग्लानी की है उतनी ग्लानी दुनिया वाले नहीं करते हैं। और घड़ी में सुइयां होती है, जो मीन तो होती है घंटे मिनट और सेकंड। हाँ, हाँ, दूसरा एक होता है अलार्म की, हमें 4 बजे उठना है 3 बजे। हाँ, अलार्म की सुई घुमाई जाती है तो तीनों सुइयां घूमती हैं कि नहीं? तो तीनों ही घूमती हैं, तीनों अलार्म देती हैं। ये वो प्रतीक किसका है? किसका प्रतीक है? ब्रह्म विष्णु शंकर वाली आत्माओं का ही प्रतीक है। और किया जो बिल्ली ने क्या किया जो आग में मर गई। एक बात बताओ, ये सारी कहानी मुरली में बोली गई है कि अव्यक्तवाणी में बोली गई है कि मुरली और अव्यक्तवाणी की व्याख्या में बोली गई है या टीवी में से निकाली है? किताब में पढ़ी। वे किताब किसने लिखी? हाँ? फिर वो भूसा है या अनाज है तो भूसे में क्यों आग लगा रहे?
और लक्ष्मी तो बाद में आती है, जगदम्बा पहले ही आता थी। लक्ष्मी के मंदिर इतने कैसे बनते हैं, तो जगदम्बा तो सबसे पहले आके इतना काम करती है बड़ा। इतना काम करती है बड़ा, फिर बड़ा काम तो करती है, बाप को पहचानना बड़ी बात है, या बाप को पहचान करके साथ निभाना बड़ी बात है? बाप को पहचानना बड़ी बात नहीं, बाप का बनना भी बड़ी बात नहीं, लेकिन बाप का बन करके अंत तक निभाना बड़ी बात है। तो लक्ष्मी निभाती है या जगदम्बा निभाती है या गंगा निभाती है या यमुना निभाती है? लक्ष्मी निभाती है, इसलिए लक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है। बड़े बड़े भव्य मंदिर बनते हैं। ओम शांति।